महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान लगातार जारी है। गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां अभी किसी तय फॉर्मूले पर राजी नहीं हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में खुद को बड़ा भाई बताते हुए शिवसेना ने ज्यादा सीटें मांगी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में जानना जरूरी है कि बीजेपी से गठबंधन को लेकर क्यों डर रही है शिवसेना। आखिर बीजेपी से शिवसेना के डरने का राज क्या है? सियासी जानकारों की माने तो लगभग हर चुनाव से पहले शिवसेना के कड़े रुख की वजह एक डर है, जो बीजेपी ने गोवा में अपने पूर्व सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ किया। एक शिवसेना नेता ने इस डर का इजहार करते हुए कहा था कि गोवा में उभार के लिए उन्होंने MGP का इस्तेमाल किया और महाराष्ट्र में शिवसेना की मदद से अपना आधार बढ़ाया, लेकिन शिवसेना कोई MGP नहीं है। दरअसल साल 1961 में पुर्तगालियों का शासन खत्म होने के बाद MGP गोवा की सत्ता पर राज करने वाली पहली पार्टी थी। गोवा में हिंदुओं के जबरदस्त समर्थन के चलते MGP ने 1963 से लेकर 1989 तक शासन किया। बीजेपी और MGP ने 1994 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा। इस गठबंधन में बीजेपी जूनियर पार्टी थी। हालांकि इसी साल दोनों का गठबंधन टूट गया, लेकिन इससे बीजेपी के लिए MGP के वोट बैंक में सेंध लगाने का रास्ता खुल गया। 2012 में दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आई, लेकिन इस बार बीजेपी सीनियर पार्टी थी। गोवा में आगे बढ़ने के साथ ही बीजेपी ने MGP के वोट बैंक को साफ कर दिया। पार्टी ने MGP के काडर और नेताओं के एक बड़े हिस्से को तोड़कर अपने पाले में कर लिया। जहां एक ओर शिवसेना महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में बड़े भाई की भूमिका में बरकरार रही, वहीं एक के बाद एक इसका वोट शेयर गिरता गया और बीजेपी का बढ़ता गया। इसके साथ ही जब भी बात लोकसभा चुनाव की आई तो बीजेपी पहले ही बड़े भाई की भूमिका में रही। शायद इसी डर की वजह से शिवसेना बड़े भाई का तमगा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज़ वारंट की रिपोर्ट।